क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वोल्ट का बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ा गया है जिसका वैल्यू हमको पता करना है, और ऐसा करने से सर्किट में जो करंट है वो 0.5 एम्पीयर का दौड़ रहा है। तो बताइए सबसे पहले कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान पहले कितना होगा, ठीक है, और टीपीडी भी बताना, टर्मिनल वोल्टेज। तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो एक बात हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर, यानी कि आई इज इक्वल टू ये जो वोल्टेज है हमको क्या लिखा जाता है बैटरी के केस में, नेट ईएमएफ लिखा जाता है, नेट ईएमएफ बाय क्या लिखा जाता है, नेट रेसिस्टेंस ना, थ्योरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, आई बराबर नेट ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। नेट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो इसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप इसको पैरेलल समझ लेना, इसके साथ ये क्या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का हमेशा सीरीज में होता है, इस बात को आप रट लो एकदम बढ़िया तरीके से, ये याद कर लो, गार्ड बांध लो। तो ये इसके साथ कैपिटल आर प्लस क्या है, ये क्या है 3 ओम, ये नेट रेसिस्टेंस सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ देंगे इसको। तो आई का जो वैल्यू है वो मेरा कितना है 0.5 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय आर प्लस 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.5 आर प्लस क्या होगा 3, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 15 यानी कि 1.5 बराबर क्या 10, इसीलिए क्या होता है 0.5 आर इज इक्वल टू, ये उधर जाके घट जाएगा 10 − 1.5 इज इक्वल टू 8.5, 0.5 आर इज इक्वल टू क्या इतना, और फिर आगे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.5 डिवाइडेड बाय, ये उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 0.5, ये इससे 17 बार में कट जाएगा, 17 × 5 = 85 होता है, ये से कट गया 17 आया, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो गया रेसिस्टेंस बराबर 17 ओम, ये मेरा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकल गया 9। अब एक चीज़ देखो तो टर्मिनल वोल्टेज मांग रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज की बात करें जिसको हम लोग टीपीडी भी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, और ये इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ माइनस आईआर, कब, जब बैटरी चूंकि रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है तो बैटरी डेफिनेटली यहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो बैटरी का जो टीपीडी होता है वो ये यहां से ए और बी की बात करें तो वी ए माइनस वी बी, यही मेरा टीपीडी कहलाएगा, वी ए माइनस वी बी यही मेरा टीपीडी कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा नेट ईएमएफ मेरा क्या है 10 माइनस, करंट की बात करें तो करंट कितना है 0.5 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है 3, इसके थ्योरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, 10 माइनस ये क्या हो गया 1.5 और इसको कर दिए तो 8.5 इतना वोल्ट मेरा हो गया क्या आंसर।